आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर नवी मुंबई महाराष्ट्र से। कृष्णा सोनी ब्यूरो चीफ एवं अजेंद्र अग्री चीफ रिपोर्टर के साथ। नवी मुंबई तुर्भे MIDC पुलिस थाने में डिटेक्शन पुलिस कर्मचारियों ने होली के समय तुर्भे स्टोर में रहने वाले एक युवक को होली के समय अपने दोस्त को तुर्भे पुलिस थाने देखने आए। संतोष बंसोड़े को बुरी तरह से बेवजह बड़े बेरहमी से डंडों और पट्टे व लातों से मारा। युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया और उसी रात तुरंत जाकर अस्पताल में पूरे बॉडी की जांच करवाया गया तो डंडों के निशान भी शरीर पर मिले। पीड़ित उक्त घटना की जानकारी जनता और मीडिया के माध्यम से नवी मुंबई पुलिस आयुक्त और तमाम जनता से न्याय की गुहार लगाई। बार बार एक ही नाम दोहरा रहे थे संतोष बंसोड़े। मिर्जा ने मुझे बहुत मारा है। पीड़ित संतोष बंसोड़े क्या कहते हैं, आइए जानते हैं एक पीड़ित संतोष बंसोड़े से। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए आप यहाँ पर, वजह क्या है? मेरा नाम संतोष बंसोड़े, मैं रहने वाला तुर्भा स्टोर से हूँ। तो मैं मेरा दोस्त लोग का थोड़ा पर कुछ मचमच हो गया था तो पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया दिया था। तो मैंने उसके साथ मतलब गया नहीं था तो ऑलरेडी पहले गया था तो मैं पीछे से गया तो फिर उधर पब्लिक बहुत थी तो मेरे को कोई पुलिस वाला बोला नहीं कि जाओ भी बोल के। तो उन्होंने फिर मेरे को मतलब देख रहा है क्यों बोल के, मतलब सबको भगा रहे थे वो लोग क्यों, तो मेरे को बोला कि तू देख रहा है क्यों बोल के मेरे को। उसने वो लोग ने सीधा मारना चालू कर दिया मेरे को। और वो साहब का मिर्जा साहब बोल के नाम है उनका, वो सानपाड़ा तुर्भा पुलिस स्टेशन में है। आपको बोलते बहुत गिरा गिरा कर मारे, डंडे से मारे, पट्टे से मारा गया? हाँ, मेरे को क्या हुआ, एक ने मार दिया तो मैं नीचे गिर गया तो उसने वो फिर लाता बुक्की से चालू कर दिया वो लोग ने। तो फिर बाद में मेरे को फिर वो लोग ने डंडे विंडे से मारना चालू कर दिया। फिर उधर से मेरे को घसर दे लेके तो उन्होंने मेरे को उनका इसमें मतलब जो रूम होता है उनको उसमें लेके जाके मेरे को फिर उधर मारना चालू कर दिया वो लोग ने। बट वहाँ पर मारा तो फिर आपने वहाँ पर कंप्लेंट नहीं करके हॉस्पिटल क्यों आया? तो उन्होंने मेरे को समक दे के मेरे पे गुनाह दाखिल करने का ये कर दिया वो लोग ने, 553 कुछ ऐसा बता रहे थे मुझे। धमकी देना चालू कर दिए थे आपके ऊपर, गुनाह दाखिल करेंगे। हाँ, धमकी चालू कर दिए थे कि 553 लगा देंगे आपके ऊपर। तो मेरा समक्ष बोल के एक साइन करवा के लेके वो लोग ने मेरे को ये करवा दिया। तो मैं इधर मेरे सर उसी से मैं इधर आके मैं मतलब मेरे को जो मार लगा है दिखाने के लिए मैंने स्टेटमेंट करने के लिए आ गया था। मतलब आप यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों ने तो आपको मारा था, ठीक है, उसके बाद में आपका समझ भी लेता है। आप यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि आपको दर्द हो रहा था, आपके शरीर में पूरी चोट लगी हुई थी, आपके मतलब आपके जो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसलिए आप यहाँ पर आए। बराबर। तो फिर डॉक्टर लोग ने यहाँ पर क्या हुआ जो आपके साथ में हुआ, लिया उन्होंने एक्सरे दिया निकालने के लिए, एक्सरे निकाला मैंने। मेडिसिन दिया आपको कि सही? हाँ, मेडिसिन दिया है मेरे को, आप दिखा सकते हैं मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन ये देखो, मेडिसिन दिया है, देखिए इनका नाम है संतोष बंसोड़े जी, ये मेडिसिन दिया है मुझे। ये जो पूरी तरफ से मेरे को मारहाण किया है उन लोग ने तो उनके ऊपर मैं गुनाह दाखिल करना चाहता हूँ। और आप मुझे वो भी फोटो भेजे ना जहाँ पर आपको लगा हुआ था, कटिंग किया हुआ? हाँ हाँ, वो भी आपको देखो, ये मुझे हाथ पे पूरा लगा है, पैर पे मारे हैं पूरे, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे मारा कि मैं चल नहीं सकता हूँ। बट जिस समय आपको बार बार आपके ऊपर आपको प्रताड़ित करके आपको मारा जा रहा था डंडे से पट्टे से, उस समय आपने उससे मदद की गौर नहीं लगाई? मैंने बोला उसको मैं बीमार आदमी हूँ कि मुझे मत मारो, तो वो लोग ने नहीं सुना मेरी बात, तभी वो लोग मारने चालू कर दिया मुझे। तो मुझे मर जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं तेरे से, तू इधर आया क्यों ऐसा बोल के मेरे को बहुत मारा उन लोग ने। तो फिर अभी आपके आगे कार्रवाई किया है? नहीं, पुलिस स्टेशन जाके आप कंप्लेंट करेंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर मैं गुनाह दाखिल करूंगा, जो मिर्जा साहब है उनके ऊपर। तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन, तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर अभी आगे कार्रवाई किया, अगर वो पुलिस वाले नहीं माने तो उसके बाद मैं मेरे हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से मैं जो भी मेरे हाथ से होता मैं वो कर लूंगा, कार्रवाई कर लूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं सीपी ऑफिस के यहाँ पे जाके मेरा सुसाइड करने का मैं नियत कर लूंगा, लेकिन मैं मिजरा साहब के ऊपर मेरे को गुनाह दाखिल करना है। पर क्यों गुनाह दाखिल क्यों करना चाहता है बार बार, वो गुनाह करना क्यों? नहीं, उन्होंने मेरे को बिना मतलब के क्यों मारा, मतलब ये इतना मारा कि वो दर्द आपको सहा भी नहीं जा, सहा नहीं जा, लेकिन मेरा उधर गुनाह दाखिल, मतलब तुम आम आदमी को क्यों मारेंगे? लोग कहते हैं कि पुलिस प्रोटेक्ट के लिए होता है। हाँ, ये तो मेरे पे अटैक करने लगे वो लोग, मतलब मारने का धमकी भी देने लगे वो लोग, तुझे इतने साल के लिए अंदर डाल दूंगा। वहाँ पर तकरीबन कितने लोग थे जब आपके ऊपर उस मेरे पे मार रहे थे? वहाँ पे कम से कम बहुत सारे पब्लिक थे, मतलब 30-40 पब्लिक रहेंगे, उसमें से मेरे को अकेले को मारे वो लोग ने। और कितने पुलिस थे जो आपको मेरे को जो कंटिन्यू मारे थे? 5-6 पुलिस थे, तुम मेरे को कंटिन्यू मार रहे थे वो लोग।
सर कुछ दुश्मनी गिरे सर आपका उनके साथ में इतना आपको मतलब मेरा तुम आप रिकॉर्ड मेरा चेक कर सकते हो पुलिस स्टेशन में या किधर भी कि मेरा कुछ भी गुनाह दाखिल रहे तो आप मुझे भी मेरे पे गुनाह दाखिल कर सकते हो। लेकिन मैं मेरे पे कोई गुनाह दाखिल नहीं है और मैं खाली बाई चांस ऐसे मेरे दोस्त के हिसाब से गया था तो इन्होंने मेरे को मतलब दूसरे का जो गुस्सा होता है वो मेरे पे निकाल लिए वो लोगों ने। बट जो अभी चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या गौर लगाते हैं क्या चाहते हैं आप? बस मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। देखिए मैं आज जो मैं मौजूद हूँ वाशी महानगर पालिका हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ। इनके पास में मेडिसिन भी है और MLC पेपर भी है जो पुलिस उसके ऊपर बार बार इसको मारा जा रहा था डंडों से पट्टों से। ऐसा मैंने एक एक व्यक्ति यहाँ पर कहता है, एक पीड़ित यहाँ पर कहते हैं, सर आप देखिए इनके हाथ में पेपर भी है और ये जो मुद्दा जो है तुरबे MIDC पुलिस स्टेशन की है। मैंने सुना है जब आपको मारा जा रहा था उस समय आपका मोबाइल भी तोड़ दिया गया, आप दिखा सकते हो मोबाइल? ये तो कोई मोबाइल है, वो लोगों ने 4-5 जन मेरे को मार रहे थे तभी पूरा गिरा के मारे, उनके जो डंडे से मेरा मोबाइल फूट गया। हाँ और मैं न्याय मुझे न्याय मिलना चाहिए और कल वो लोग बोल सकते हैं कि बाबा ये लोग मेरे पे कोई गुनाह भी वो लोग दाखिल कर सकते हैं कि कुछ झूठ बोल रहा है ये हिसाब से, तो मेरे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के हिसाब से तो मुझे कोई न्याय मिलना चाहिए। बस मैं यही उम्मीद चाहता हूँ।